हेलो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में रखी घंटी को बजाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो आप तक बेझिझक पहुंच जाए। इंसान को अपनी जिंदगी जीने के लिए उसको सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है और वो है सांसें, यानी कि ऑक्सीजन। लेकिन अगर इंसान को अपनी जिंदगी को सफल बनाना है तो उसको जरूरत पड़ती है आत्मविश्वास की। बिना आत्मविश्वास के इंसान सफलता की डगर पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं सकता। ये वो ऊर्जा है जो इंसान को उसकी जिंदगी में आने वाली हर कठिनाई, हर परेशानी का सामना करने के लिए साहस प्रदान करती है। आज के दौर में अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ पाना है या कुछ किसी क्षेत्र में कुछ करके दिखाना है, खुशी खुशी अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है, तो इन सभी कामों के लिए हमें आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। आत्मविश्वास हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ावा देती है और संकल्प शक्ति से बढ़ती है हमारी आत्मिक शक्ति। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, महात्मा गांधी इसी आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा को अस्त्र बनाकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और वो सफल भी रहे। इसी आत्मविश्वास ने कोलंबस को अमेरिका की खोज करने में बल दिया, साहस दिया। आत्मविश्वास को आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है या कहीं से उसको लाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है। बस जरूरत है तो आपको अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने की और उसको अपने मजबूत करने की। आत्मविश्वास वो शक्ति है जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी में ना सिर्फ कामयाब हो सकते हैं बल्कि आप अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जब वही काम दूसरे लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? वो भी इंसान है और आप भी इंसान हैं। तो आइए कुछ टिप्स की तरह चलते हैं जिनके जरिए हम अपने अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास जरूर बढ़ा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, जस्ट लेट्स स्टार्ट। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उनको पूरा करिए। रोज एक नया लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे। आज मुझे दिन में ये काम करना है, क्योंकि जब आप छोटे लक्ष्य बनाएंगे और उनको जब आप पूरा करने लगेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा कि हाँ, मैंने ये काम किया, ये सफल हो गया, अब मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, मैंने ये सोचा, ये हो गया। क्योंकि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम बड़ा सा गोल सेट कर लेते हैं और वो इतनी जल्दी नामुमकिन है। उससे क्या होता है कि हम हताश हो जाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में वही रुक जाते हैं कि मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। पर यू नीड टू गिव अ ट्राई। छोटे छोटे काम करिए, छोटी छोटी बातों को इन्जॉय करना सीखिए, छोटे छोटे गोल में अपनी खुशियाँ देखिए कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। बहुत छोटी सी चीज़ है बट मुझे इसको पाना है। हर चीज़ को पाने के लिए एक जुनून चाहिए होता है, फिर वो कोई भी चीज़ हो, तो भले ही छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, तो उसको कोशिश करिए। जब वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी, जब आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, तो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, मैंने ये चाहा, मुझे ये मिल गया, तो क्यों ना मैं वो चाहूँ तो वो भी मुझे मिल सकता है। सो लेट्स, आई थिंक यू नीड टू थिंक ऑन दिस। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उनको फुलफिल करिए एंड यू विल गोइंग टू सी अ चेंज वेरी सून। सबसे पहले तो बी चूजी विद योर फ्रेंड्स। आप जिन लोगों के साथ सराउंडेड हैं, जिन लोग आपके आसपास रहते हैं, तो उसमें देखिए उन कौन लोग हैं जो आपको आपका आत्मविश्वास कम कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं, साथ रहने वाले दोस्त होते हैं, परिजन होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो कोशिश करते रहते हैं कि आपका आत्मविश्वास थोड़ा गिरा है। अगर आप अच्छा भी कर रहे हो तो वो उसमें से थोड़ी सी कमी निकाल दें कि नहीं नहीं यू कैन डू इट मच मोर बेटर। तो इट्स गुड कि अगर कोई आपको कह रहा है कि यू कैन डू इट मच मोर बेटर, बट ऑल द टाइम एट इवन व्हेन आल्सो व्हेन यू आर डूइंग fabulous, then also they are demeaning you, then also they are picking the worst part in that. So just you need to think on that. थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिए और थोड़ा सा चूजी रहिए और अपने आसपास रहने वाली सभी नेगेटिव चीज़ों को, सभी नेगेटिव थॉट्स को दूर रखिए और अपनी लाइफ में सकारात्मक सोच को अपनाइए। लोगों को ये एहसास दिलाएं कि आपको वो कम ना आके। आजकल क्या हो गया कि आपके साथ रहने वाले ही आपको थोड़ा सा थोड़ा कम देखते हैं कि नहीं, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, ये ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। तो जहाँ आपको ऐसा फील हो, जहाँ आपको ऐसा महसूस हो, उन लोगों से सीधे सीधे बात कर लीजिए कि एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। पहली बात, उनको ये एहसास कराइए कि नहीं, आप मुझे समझ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, आई कैन डू एनी थिंग, तो प्लीज़ मुझ पर ये दया
कृपा दृष्टि मत रखिए आप कि मैं बहुत ही लाचार हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आई कैन डू एनीथिंग। निडर बने। विफलता आपकी कभी दुश्मन नहीं होती है, उससे जो आपके जो आत्मविश्वास जो आपका डगमगाता है वो गलत है। आप लाइफ में जीतो या हारो, हर बात के लिए आपको अंदर से तैयार रहना चाहिए, हर उसका सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। Nobody knows, nobody can predict, कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर हमें अपने अंदर को जो हमारा आत्मविश्वास है उसको कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वही एक जरिया है हमारे जिंदगी जीने का, वो नहीं तो हम अधूरे हैं। Keep smiling all the time. Smile is the best thing which you can keep in your face. It's a best makeup. क्योंकि आपको हमेशा खूबसूरत दिखाता है। अगर आप हंसते रहोगे और थोड़ा आपका, क्योंकि हंसने से क्या होता है, हमारा मन खुश रहता है। When we are laughing, then we are actually happy from our inside. And we need to happy all the time. खुश रहना हमारी जिम्मेदारी है, हमको रहना चाहिए खुश, क्योंकि हर पल तो हमारे पास वजह नहीं हो सकती ना खुश रहने की, पर हमें वजह बनानी पड़ेगी। वी नीड टू कीप आवरसेल्फ हैप्पी। ये ताकत है कि हम हंसते हैं, खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो मन में जो थॉट्स आएंगे वो अच्छे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, और जो मन में आएगा वो हम करेंगे, हम जो करेंगे वो पॉजिटिव है, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी फाइन। आपके पास्ट में जो भी आपकी जो लाइफ में आपने जो अचीव किया है, जो अचीवमेंट्स हैं, उनको जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि हो सकता है आज आप असफल हो पर कल किसी वक्त आप सफल थे, और आने वाले कल में आप सफल हो सकते हो। हमारा आज वर्तमान बुरा है, हमारा बीता हुआ कल और आने वाला कल जरूरी नहीं कि बुरा हो। ऑल्दो जो बीत चुका वो तो आ ही नहीं सकता, पर जो आने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। आज जो है वो है, पर हमें हमेशा कल की तैयारी करनी चाहिए कि कल जो होगा वो बेहतर होगा। आज के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, आज तो हमारा जो है वो है, उसको हम ना बदल सकते हैं, बस मेहनत कर सकते हैं उसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। पर हाँ, हमारा आज जो है वही दिस इज आवर टुडे इज गोइंग टू डिसाइड आवर टुमारो, सो इट ऑलवेज वर्क फॉर टुमारो। सो आज की हमारे इस वीडियो में यही थी, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं होते, किसी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। अपनी वैल्यू पहचानी है, सेल्फ स्टीम का मतलब होता है अपनी वैल्यू पहचानी है। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो प्लीज़ अपनी वैल्यू को पहचानिए कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, और फिर उसको आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए, और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड विल बी सून बैक विद सम अदर टॉपिक। सो टिल देन, बाय।